के आशियाना इकबाल स्कैंडल केस में गिरफ्तार फवाद हसन फवाद का मेडिकल चेकअप करवाने की दरख्वास्त। एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन ने जनरल अस्पताल से फवाद हसन फवाद का चेकअप करवाने की इजाजत दे दी है। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सकलैन जावेद से। सकलैन, इजाजत मिल गई? आशियाना इकबाल स्कैंडल केस में गिरफ्तार फवाद हसन फवाद का मेडिकल चेकअप करवाने की दरख्वास्त दी गई थी, जिसको अदालत ने मंजूर कर लिया है। अदालत ने जनरल हॉस्पिटल से फवाद हसन फवाद का एक्सरे और चेकअप करवाने की हदायत की है। इससे कबल अदालत के रूबरू नैब प्रोसिक्यूटर और जेल हुकाम की तरफ से ये दरख्वास्त पेश की गई थी, जिसमें कहा गया कि फवाद हसन फवाद का एक्सरे और मेडिकल चेकअप करवाने की इजाजत दी जाए, क्योंकि मुलजम की कमर में दर्द है, वो असाबी तनाव का भी शिकार है। मुलजम का कहना है कि मैं बेहतर महसूस नहीं कर रहा, लिहाजा मेरा मुकम्मल मेडिकल चेकअप करवाया जाए ताकि उसके हवाले से मेडिसिन और उसका इलाज भी करवाया जा सके। सकलैन, क्या बताया जा रहा है कि चेकअप के बाद रिपोर्ट कब तक अदालत में जमा करवाई जाएगी? जिस हवाले से फवाद हसन फवाद को मियां शहबाज शरीफ के साथ कल अदालत के रूबरू पेश किया जाना है, इसी दौरान उससे मजीद तफसीलात भी जो अदालत खुद जानेगी और पता करवाएगी कि ये इसमें क्या है। तहम फवाद हसन फवाद को कल शाम के वक्त हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा और उनका चेकअप करवाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आज तो मुमकिन ना था, लेकिन कल क्योंकि उसकी पेशी भी है और उसे अदालत के रूबरू पेश किया जाना है, लिहाजा तवक्को है कि कल शाम को उसका चेकअप करवाने के बाद उसकी रिपोर्ट उससे अगले दिन अदालत के रूबरू पेश की जाएगी, अगर मेडिकल रिपोर्ट उनकी उस वक्त तक आ गई तो। जी, आशियाना इकबाल स्कैंडल केस में गिरफ्तार फवाद हसन फवाद का मेडिकल चेकअप करवाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। शुक्रिया सकलैन जावेद।